अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी यूनिक सी चाय जो आपने पहले YouTube पे कभी नहीं देखी होगी। चलिए चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैं अपने खूबसूरत पौधों में से लूँगी जी तुलसी के पत्ते। आप भी इस पौधे को अपने घर में लेकर आएँ। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है और ये बहुत 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 फ़ायदेमंद है। तुलसी के फ़ायदे तो आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे और आज मैं अपनी चाय में इन्हीं पत्तों को इस्तेमाल करके चाय अपनी और यम्मी और ज़बरदस्त बनाने वाली हूँ। कैसे, चलें देखते हैं, इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी जी पानी। पानी मैंने लिया है एक कप से थोड़ा कम। इसके बाद मैं ऐड करूँगी पत्ती। पत्ती आपने अपने हिसाब से डालनी है। अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो तेज़ डालें, अगर कम तो कम। उसके बाद मैं ऐड करूँगी जिंजर अदरक, कुटा हुआ डालिएगा। और फिर इसके बाद आप दो तीन चुटकी आपने सौंफ ऐड करनी है, ये भी आपने थोड़ी सी कूट लेनी है। उसके बाद मैं दो लौंग इस्तेमाल करूँगी। और उसके बाद जी मैं ऐड करूँगी इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर। अगर पाउडर नहीं है तो आप दो इलायचियाँ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, इसमें मैं ऐड करूँगी जी होली बेसिल यानी कि तुलसी के पत्ते। इनको आपने ऐसे तोड़ तोड़ कर डालना है ताकि इनका फ्लेवर जल्दी से इसमें मिक्स एंड मैच हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह इसको पकाने के बाद आपने इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेनी है और वो है देसी गुड़। जी हाँ, आपने इस चाय में देसी गुड़ ऐड करना है और अगर नहीं है तो आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से आपने हल्की आंच पर हल्की फ्लेम में आपने इसको पकने देना है। कम से कम 7 से 8 मिनट ये कुक होगा। उसके बाद आपने दूसरे चूल्हे पे दूध को गर्म कर लेना है और इस चाय में आपने दूध बॉयल करके डालना है। ठीक है, आपने इसको बॉयलिंग पॉइंट पे लेकर आना है। ये बहुत अच्छी एक ट्रिक है जो आपकी चाय को और मज़ीद अच्छा कर लेगी। और इस तरह से आपने इसको ऐसे चमचों से आपने उडेलना है। इस तरह से दूध जो है इस और मज़ेदार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम ऐड करेंगे अपने कहवा जो हमने रेडी किया है ज़बरदस्त सा। उसमें हम गर्म दूध ऐड कर देंगे और ज़रा ऊपर से डालिएगा ताकि आप इसमें ये झाग सी बन जाए। ठीक है, इसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक फिर कुक कर लेंगे और इसकी जो झाग बनी थी दूध की वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये आपने ज़रूर ये जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं ये आपने ज़रूर यूज़ करने हैं, इस्तेमाल करने हैं। इससे आपकी चाय बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और जब तक चाय में बॉयलिंग होती है आपने ऐसे चम्मच के साथ चाय को इस तरह से फेंटते रहना है। ठीक है, अब चलते हैं जी इसकी सर्विंग की तरफ। और सबसे पहले आपने पत्ती छान लेनी है, किसी और बर्तन में आपने चाय निकाल देनी है। और जब आपने सर्व करनी है तो थोड़ा सा ऊपर से आपने चाय को डालना है ताकि चाय की खूबसूरती और इन्हेंस होकर आए और ज़्यादा मज़ेदार की चाय लगे। और चाय आपने इसी तरह डालनी है अपने कप में और इसको इंजॉय करना है। और देखिए कितनी खूबसूरत और मज़े और यम्मी की हमारी चाय रेडी हो चुकी है। अब हम इसको पियेंगे अपने बिस्किट्स के साथ, इंजॉय करेंगे और साथ ही हम रख लेंगे तुलसी के पत्ते ताकि हमें इसकी अच्छी सी स्मेल और अच्छा सा हमें टेस्ट महसूस हो जो कि हमारी चाय में ऑलरेडी आ चुका है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबान।